श्री कृष्ण के नाम की महिमा अपार है। भगवान की सभी चीजें अनंत है, यानी कि उनका नाम, गुण, लीला, शक्तियाँ, इन सभी का कोई अंत नहीं। इसीलिए यदि कोई अनंत काल तक इनके नाम की महिमा गाने बैठे तो स्वयं समय का अंत आ सकता है, परंतु नाम महिमा का नहीं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा के कुछ अंश ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और कुछ अन्य धार्मिक पुस्तकों में देखने मिलता है। श्री कृष्ण जैसा मंगल नाम जिसकी वाणी में विद्यमान रहता है, ऐसे जीव के करोड़ों महापातक उसी समय भस्म हो जाते हैं। कृष्ण नाम जप का फल सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों के फल से भी अधिक गुना श्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति अनेकों अश्वमेध यज्ञ करता है तो उससे महान पुण्य और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन इस कार्य से पुनर्जन्म नहीं रोका जा सकता। जबकि निरंतर श्री कृष्ण का नाम जप करने से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के तप, उपवास, सहस्त्रों वेद पाठ, समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, अनेकों तीर्थ स्थान और सैकड़ों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी कितने महापुण्यशाली और धार्मिक कार्य हैं। ये सभी कार्य किसी के लिए करना तो दूर, सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि इन सभी कार्यों को करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। परंतु वास्तव में सत्य तो ये है कि ये सभी कार्य मिलकर भी कृष्ण नाम जप की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। मित्रों, नाम जप से केवल मृत्यु के पश्चात भगवत प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि जीवन जीते समय निरंतर श्री कृष्ण को याद करने से हमारा जीवन अत्यंत ही सरल बन जाता है, क्योंकि एक सच्चे भक्त की जिम्मेदारी भगवान स्वयं उठाते हैं। हर प्रकार की विपदा और प्रतिकूल परिस्थिति में से भगवान अपने भक्त को बचा ही लेते हैं। इस बात का प्रमाण देते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मा स्मरति नित्यशः जलं भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्। जिसका अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है, उस व्यक्ति को मैं जिस प्रकार से कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है उसी प्रकार से नर्क के समान मुश्किलों से बाहर निकाल लाता हूँ। तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से जल को भेदते हुए कमल ऊपर की ओर उठता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का स्मरण करते रहने वाले व्यक्ति को श्री कृष्ण स्वयं ही प्रतिकूल परिस्थितियों और मुश्किलों में से ऊपर उठा लेते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण अपने भक्त की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए नाम जप मृत्यु के बाद केवल भगवत प्राप्ति ही नहीं करवाता, बल्कि इसके कारण से एक सच्चे भक्त का जीवन संपूर्णतः सरल बन जाता है, क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।